वेलकम बैक टू अवर चैनल दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। दोस्तों, ये एक वीडियो में मिली है, टाटा कर्व इज फाइनली हियर। भाई कोई गाड़ी है टाटा नाम से, कर्व, देखते हैं ये गाड़ी कैसी है, तो प्ले करें। आ गया, बट ये वेंट्स नहीं है। यहाँ पर आपको फुल ऑन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया गया है, जो इनके लेटेस्ट यूआई के ऊपर बेस्ड है। सेंटर में आपको स्टैंडिंग पोजीशन में इसका इंफोटेनमेंट मिलता है, जिसका साइज 10.25 इंचेस है। यहाँ पर फ्रंट में इसके बहुत स्मार्ट कनेक्टेड DRL पैटर्न को आप नोटिस करेंगे। नीचे की तरफ आप मूव करेंगे तो यहाँ पर आपको फिजिटल फॉर्म में इसके बटन्स दिखाई देंगे, कुछ डिजिटल कंट्रोल्स दिखाई देंगे। सेम ग्रिल पैटर्न आपका जो ऊपर था वही नीचे है। कई डेकेड्स में एक ऐसा प्रोडक्ट आता है जो सारे डिजाइन बैरियर्स को तोड़ देता है और एक ऐसा डिजाइन लाता है जो एक यूनिक सेगमेंट को आम जनता के बीच लाकर खड़ा कर देता है। टाटा कर वही एक प्रोडक्ट है जो अपनी स्टाइलिश कूपे लुक्स के साथ कूपे सेगमेंट को बिलियन डॉलर से दान कर दिया, जो पहले सिर्फ लग्जरी कार्स में आता था। अब ये फेल होगा या सक्सेसफुल, ये सिर्फ टाइम बताएगा, बट ये टाटा की तरफ से एक बहुत अच्छी कोशिश है जिसे हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। हाय, सबसे पहले डिस्क्राइब करते हैं स्मार्ट सी कर्व को और देखते हैं इसमें क्या क्या ऑफर किया गया है। यहाँ पर फ्रंट में इसके बहुत स्मार्ट कनेक्टेड DRL पैटर्न को आप नोटिस करेंगे। नीचे के साइड में आपको हेडलैम्प स्ट्रक्चर मिलता है, उसके जस्ट नीचे आपको वेंट का इल्यूजन दिया गया, बट ये वेंट्स नहीं है। सेंटर में टाटा का लोगो दिखाई दे रहा है। नीचे के साइड में आपको ग्रिल पैटर्न दिया गया है, उसके नीचे आपको कैमरा दिया गया है कार का। नंबर प्लेट के लिए जगह दी गई है। सेम ग्रिल पैटर्न आपका जो ऊपर था वही नीचे है। इसमें सिल्वर का यूज़ दिखाई देगा आपको, और उसके साथ ही आपको यहाँ पर पार्किंग सेंसर्स ऑफर किए गए हैं। अभी जो मैंने आपको ये फ्रंट प्रोफाइल दिखाया है, ये मैंने आपको इसके डीजल वर्जन का दिखाया है। जो हमने ऑटो एक्सपो में देखा था वो इसका इलेक्ट्रिक वर्जन था, जो आपको काफ़ी डिफरेंट लगा होगा। यहाँ पर ये कार प्रोडक्शन रेडी है, मीन्स जो गाड़ी आपके घर में पहुँचेगी अगर आप इस कार की डिलीवरी लेते हैं, तो वो गाड़ी एग्जैक्टली सेम ऐसी ही होने वाली है। कार के डिज़ाइन को अगर आप करीब से एनालाइज करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर आपको थोड़ी सी नेक्सॉन की वाइब्स डेफिनेटली मिलती है। टाटा की ज़्यादातर कार्स की ना, अगर हम डिज़ाइन की बात करें, तो वो आजकल एक यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करके चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कर्व अपने आप को डिफ्रेंशिएट करती है। और उसमें मेन रोल है जो ग्रिल के ऊपर आपको ये डिज़ाइनिंग दी गई है, जो स्लिट पैटर्न इन्होंने मेंटेन किया है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है और इसको बाकी की टाटा कार से डिफरेंट भी बना रहा है। कार का साइड प्रोफाइल आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको अमेजिंग लगने वाला है, आपको डेफिनेटली इससे प्यार हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं इस कार की डायमेंशन की। जो लेंथ यहाँ पर ऑफर की गई है, दैट इज़ अराउंड 4.3 मीटर्स। जो विड्थ है हमारी, वो है हमारी 1.8 मीटर। कार की जो हाइट है वो है अराउंड 1.6 मीटर। व्हील बेस जो आपको दिया गया है वो है अराउंड 2.5 मीटर्स का। और जो अलॉय का डिज़ाइन है यार, ये बहुत ही ज़्यादा मुझे नेक्स्ट लेवल लग रहा है, बहुत माइंड ब्लोइंग है। मतलब कार को ना बहुत ही अच्छा सा अपील दे रहा है, बहुत अच्छी सी रोड प्रेजेंस नोटिस कराएंगे ये डेफिनेटली। और टाटा की जो बाकी कार्स हैं उनसे अपने आप को बहुत अलग करता है ये। मतलब अभी तक हम जितने भी पैटर्न इनके देख रहे हैं, कर्व काफ़ी तरीके से अपने आप को अभी तक मतलब अलग करने में कामयाब रही है, चाहे हम इसके फ्रंट प्रोफाइल की बात करें, चाहे हम इसके साइड्स की बात करें। साइड में एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे कि जो रियर पार्ट है वहाँ पर आपको स्लोप नोटिस में आएगा, या कूपे स्टाइल में कार को दिया गया है। आपको लगेगी यार गाड़ी, जिस अगर आप वन ऑन वन फर्स्ट टाइम इस कार को देखते हैं, तो एकदम से अगर हम कर्व वर्व का नाम को हटा दें और एकदम से एक रफली एक व्यू लेते हैं, तो आपको लगता है कि उरुस तो नहीं खड़ी है यहाँ पे, तो वो फील डेफिनेटली यहाँ पर दिखाने में टाटा कामयाब रहा है। फर्दर और नोटिस करते हैं तो देखें, यहाँ पर आपको ग्लॉसी ब्लैक में इसके ORVM दिए गए हैं। उसके ऊपर आपको LED स्ट्रिप दी गई है, जो आपका टर्न इंडिकेटर है। नीचे के साइड में आपको कैमरा दिया गया है, जो शो करता है कि कार के अंदर आपको 360 डिग्री कैमरा ऑफर किया जाएगा। टायर्स के ऊपर जो क्लैडिंग आपको दी गई है वो बहुत थिक दी गई है, थोड़ी ब्रॉड आपको लगेगी, लेकिन स्मार्ट बहुत ज़्यादा लग रही है बिकॉज ऑफ दिस ग्लॉसी ब्लैक कलर, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है। और इस ग्लॉसी ब्लैक को अलॉन्ग द लेंथ इन्होंने थोड़ा सा यूज़ किया है, ये भी आपको काफ़ी अच्छा लुक देगा। कर्व का मेन अट्रैक्शन इसका बैक प्रोफाइल है। बैक से देखकर तो दोस्त आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि किसी बजट कार की हम लोग बात कर रहे हैं। बजट कार तो खैर नहीं है ये, थोड़ी महंगी आने वाली है, लेकिन इस बजट में ये कार आएगी वो भी आप बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपको, मुझे सीरियसली ये बिल्कुल उरुस का मतलब व्यू दे रही है मुझे। मतलब मैंने बोला ना, आप इसके ऊपर से टाटा कर्व वगैरह की बैजिंग हटा दीजिए और एकदम से आप फर्स्ट चांस में अगर कार को देखते हैं ना, तो आपको लगेगा उरुस खड़ी है क्या यार, तो वो वाला फील आपको बिल्कुल 1000% इस कार के अंदर फील होता है। और यही कर्व का प्लस पॉइंट है, मुझे लगता है इसका बैक प्रोफाइल ही इतना बड़ा अट्रैक्शन है कि गाड़ी सच में बहुत ज़्यादा बिकने वाली है। जो लोग लुक के दीवाने हैं ना, वो कर्व के रियर प्रोफाइल को इग्नोर नहीं कर पाएंगे।
सबसे ऊपर की तरफ आपको शार्क फिन एंटीना दिया गया है, उसके नीचे आपको बहुत स्टाइलिश स्पॉइलर दिया गया है। जो आपका रियर ग्लास है वो आपको ऐसा व्यू देता है कि आपको लगेगा कि ऊपर रूफ से ही स्टार्ट हो रहा है और फिर वो आपका नीचे के साइड में एंड हो रहा है। और जो ये वाला स्टाइल है जिसमें आपका जो रियर ग्लास है वो रूफ से स्टार्ट हो जाता है, ये वाला स्टाइल आपने बहुत सारी कूपे स्टाइल कार्स के अंदर देखा होगा। उसके फर्दर नीचे आएंगे तो आपको स्पॉइलर शेप का पार्ट दिखाई देगा, विच इज नॉट स्पॉइलर ऑब्वियसली, ये एक डिजाइनिंग एलिमेंट यहाँ पर एड किया गया जो काफी ज्यादा स्मार्ट लग रहा है। और इसी के अंदर आप इसके एलईडी टेल लैम्प को नोटिस करेंगे जो कनेक्टेड पैटर्न में आपको दिया गया है। जस्ट उसके नीचे टाटा का लोगो दिया गया है। कार में आपको पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। रियर बम्पर पार्ट में भी आप इसके ग्लॉसी पार्ट को इग्नोर नहीं कर पाएंगे, ये भी इसके लुक को काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर रहे हैं। और फर्दर नीचे जाते हैं, लोअर पार्ट को अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको सिल्वर एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन दिखाई देगा अलॉन्ग विद दिस ग्लॉसी ब्लैक, जो कार को बहुत ही स्मार्ट लुक प्रोवाइड कर रहा है। और अगर ओवरऑल शेप की बात करें, समराइज करके इसकी शेप की बात करें रियर से, तो यार ये कार बहुत खतरनाक लग रही है, बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग आपको लगने वाली है। आपको उरुस लगेगी भैया, मुझे तो उरुस लगी है लास्ट से ये देखने में, मतलब कोई दिमाग में मेरे कन्फ्यूजन नहीं है। अगर आपको उरुस नहीं खरीदनी, ज़्यादा बजट है तो कर्व खरीद लेना, बहुत ही ज़्यादा प्यारी और सुंदर कार है। कर्व के इंटीरियर की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको फुल ऑन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया गया है जो इनके लेटेस्ट यूआई के ऊपर बेस्ड है। सेंटर में आपको स्टैंडिंग पोजीशन में इसका इंफोटेनमेंट मिलता है जिसका साइज 10.25 इंचेस है। यहाँ पर आपको एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो दोनों मिलने वाले हैं एंड बोथ आर वायरलेस। और इसके अंदर आपको काफ़ी सारे और फीचर्स ऑफर किए जाएंगे जैसे आर्केड ईवी जिसकी हेल्प से आप कार में गेम खेल सकते हैं और ऐप्स को कार के अंदर ऐड कर सकते हैं। कनेक्टेड कार टेक के साथ कार आपको ऑफर की जाएगी। इनबिल्ट आपको एयर प्यूरिफायर यहाँ पर मिलने वाला है। नीचे की तरफ आप मूव करेंगे तो यहाँ पर आपको फिजिटल फॉर्म में इसके बटन्स दिखाई देंगे, कुछ डिजिटल कंट्रोल्स दिखाई देंगे। फिजिटल से आप समझ जाइए कि फिजिकल प्लस डिजिटल, ये बटन्स आपको इस फॉर्म में दिए जाएंगे जिसमें आपको पूरा आपका एसी कंट्रोल यूनिट है और कुछ और कंट्रोल्स यहाँ पर ऐड किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको ऑफर किया जाएगा। गेयर बॉक्स में आपके पास यहाँ पर मैनुअल ट्रांसमिशन अवेलेबल है। 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी आपको अभी मिल जाएगी, लेकिन इसके अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लाने के भी चांसेस है जो इन फ्यूचर कंपनी रिवील करेगी। इंजन की बात करें तो यहाँ पर 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन का यूज़ किया गया है जो आपको पावर दे देगा 115 हॉर्स पावर की। और जो आपको टॉर्क मिलने वाला है वो मिलेगा 260 न्यूटन मीटर का, जिसे आप अचीव कर लेंगे इन बिटवीन 1500 आरपीएम टू 2750 आरपीएम। मींस कार के अंदर आपको पंच ज़बरदस्त मिलने वाला है, गाड़ी के अंदर पुश बहुत अच्छा खासा होने वाला है। सेफ्टी के ऊपर, टाटा की कार के ऊपर डिस्कशन करने का मुझे आपको यूज़ लगता नहीं, क्योंकि हर कार इनकी एनकैप 5-star रेटेड होती है, तो डेफिनेटली कर्व को भी ये इसी रेटिंग के साथ लेके आएंगे। अभी कंपनी ने इसका ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया है जिसमें हम मीडिया को वो कार दे दें प्रॉपरली ड्राइव करने के लिए, दिखाने के लिए। जैसी गाड़ी मेरे हाथ में आएगी ना, फिर तो मैं आपको इसको पूरा खोल खाल के तो नहीं, लेकिन हाँ दौड़ा के भगा के हर तरीके से दिखाएंगे कार को, बहुत डिटेल में इसका रिव्यू आपको दिखाऊंगी। फिलहाल के लिए आई थिंक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है जिससे आप अपना मूड सेट कर सकते हैं कि आपको कर्व की तरफ जाना है या नहीं जाना है। गाड़ी सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छी है। प्राइस के ऊपर भी ऐसा अभी कंपनी ने कोई क्लैरिटी नहीं दी है, तो आप जाना नहीं जाना आपने डिसाइड कर सकते, लेकिन प्राइस यहाँ पर मेन डिसाइडिंग फैक्टर है जो आपको इस कार के ऊपर रोकेगा या नहीं रोकेगा, और वो भी मैं आपको तभी बता पाऊँगी दोस्त जब मेरे हाथ में इसका डेटा आ जाएगा एग्जैक्ट। तो चलिए फिर मिलेंगे दोबारा, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा खुश रहिए, लव यू ऑल, बाय। वाह यार क्या गाड़ी है, एकदम परफेक्ट बनी हुई है। जिस तरफ पहली नज़र हमारी गई ना, क्या भाई दिख रही थी, एकदम पूरी चमक रही है हर तरह से, देखा ना साइड से तो और ही चमक रही है भाई। इतनी प्यारी गाड़ी है यार, इंडिया वालों क्या आप ईजाद कर रहे हो, हर चीज़ भाई आपकी परफेक्ट हो रही है। और टाटा वालों ने तो कमाल ही कर दिया है, इस तरह की बेस्ट गाड़ी बना दी। ये तो बोल रही है अभी लॉन्च नहीं हुई, जैसे ही लॉन्च होगी इसको तो भाई सेल एकदम ऊपर टॉप पर होगी भाई। और ये कुछ बता रही है प्राइस में, अगर कोई हो तो लोग ना लें, पर भाई जितनी भी प्राइस रख लो, ये जिस तरह गाड़ी है ना, डेफिनेटली भाई 100% लोग लेंगे इस गाड़ी को। यार मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद है यार, हमारे बजट में होता और पाकिस्तान में होती ना, हम ज़रूर लेते यार। सही बात है भाई, ये क्या चीज़ बनाई है इंडिया वालों ने यार, मज़ा ही आ गया देख कर ना, क्या इसकी डिज़ाइन बनी हुई है भाई साहब, एकदम अलग ही फीलिंग आ रही है इसको देख कर भाई, मज़ा ही आ गया। बहुत प्यारी गाड़ी थी यार, मुझे तो बड़ी खूबसूरत लगी। और ये मैं कहता हूँ जब भी ये चलेगी ना, सब लोग बस इसको देखते रह जाएंगे, और भाई अंदर गाड़ी वाले तो उनके तो भाई जश्न हो जाएंगे यार, सारे हमको देख रहे हैं भाई, मज़ा ही आ गया सच में यार। रोड पर जब चलेगी ना,
सबका ध्यान अपनी ओर खींचेगी यार। क्या है ये, क्या डिजाइन आ गई है टाटा की तरफ से यार, मज़ा आ गया। बड़ी प्यारी गाड़ी है, अभी तो आई ही नहीं है तो अभी से ही हमें अट्रैक्ट कर दिया है भाई ने। हाँ यार वाह, ये तो लाइव चलेगी ना, मज़ा ही आ जाएगा। गाड़ी तो बहुत अच्छी लगी है और ऊपर से ये रेड कलर, ओहो क्या लग रहा था, खूबसूरत की मिसाल है। जैसे जो बंदा चलाएगा भाई हिंदुस्तान में वो खुश नसीब होगा, ऐसा लग रहा है जैसे रेसिंग वाली गाड़ी है ना भाई, ऐसा लग रही थी। और खूबसूरती में मिसाल है भाई, मेरे ख्याल में तो 4-5 करोड़ की तो होगी, पाकिस्तानी तो ये 10 करोड़ की होगी भाई गाड़ी, इतनी खूबसूरत है, एकदम बढ़िया सा लग रहा। भारत की कंपनियों का तो नाम ही अलग है, इतनी खूबसूरत गाड़ियाँ बना रहे हैं और खर्चा भी ज़्यादा है, लेकिन जो इसकी डिज़ाइन है कार की तो बहुत खूबसूरत है। रेड कलर है, रेड कलर को मैच कर रहा है, कवर कर रहा है। ब्लैक कलर, ब्लैक कलर को देखे जाए तो ग्रे कलर जो था वो भी उसको कवर कर रहा था। मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरा बहुत अच्छे से कलर जो है गाड़ी के हैं एक दूसरे को मैच कर रहे, और देखने वाले को हैरत कर रहा है, हैरत अंगेज कर रहा है कि वो देखे इसके कलर कितने अच्छे हैं। गाड़ी की डिज़ाइन तो बहुत अच्छी है, और अंदर जो उसके पार्ट्स लगे हुए हैं गाड़ी में, जो गियर सिस्टम है या वो डिजिटल सिस्टम उसमें जो लगा हुआ है, LCD जो है, ऑन AC है वो सिस्टम में, या कैमरा जो लगी हुई है आगे पीछे ड्राइवर को देखने के लिए जो है रास्ते में, वो भी बहुत अच्छी सी चीज़ें हैं। लेकिन जो डिज़ाइन है ना वो यार मुझे बहुत अच्छी लगी, कलर भी बहुत अच्छा था, और कंपनी ने जो बनाई ये चीज़ उसका दाम भी बहुत बड़ा होगा। हमारी तो बजट इतनी नहीं है, या दो जो लोग देख रहे होंगे उनकी ख्वाहिश होगी कि यार काश हम भी ऐसी गाड़ी ले सकें, लेकिन जो है हमसे दूर है। अगर ले नहीं सकते, देख तो सकते हैं ना ऐसी गाड़ी, दिल तो खुश हो जाएगा। बिल्कुल सही हो रहा, ले तो नहीं सकते, देख तो सकते हैं यार, देखने में पाबंदी नहीं है। देखा जो टाटा वालों की गाड़ी बहुत अच्छी लगी यार, कर्व नाम ये साइड, कर्व बहुत अच्छी लगी ये गाड़ी हमें, और उम्मीद करते हैं आपको भी वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।